नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आए एक जबरदस्त लीग का जबरदस्त मुकाबला दोस्तों, जो कि खेला जाएगा वेल्स फायर वर्सेस ओवल इनसेबल के बीच। दोस्तों ये दोनों ही टीमें काफी जबरदस्त और जैकपॉट मुकाबला इस मैच में आना, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना एक एक मुकाबला जीत चुकी है। वही अगर देखा जाए तो स्ट्रेच जैकपॉट मुकाबला है, तो ये पूरी संभावना 30 पैसे का जैकपॉट मुकाबला होगा। अब ये बात लिख के रख लीजिए दोस्तों, तो जल्दी से जैकपॉट मुकाबला अगर आप चाहते हैं और फिर प्रेडिक्शन प्रत्येक लिख के चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, श्योर क्रिकेट प्रेडिक्शन के नाम से। दोस्तों अगर मैं बात करूं ओवल्स और फायर के बीच में जो मैच है वो खेला जाएगा 28 तारीख को रात की 11 बजे भारतीय समय अनुसार। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीम है दोस्तों, और यह 30 पैसे का जैकपॉट होने वाला है। 30 पैसे का जैकपॉट इसलिए होगा, उसका भी कारण आपको वीडियो के लास्ट में बताना। दोस्तों अगर बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सी टीम बेहतर है, उससे पहले बात कर लेते ग्राउंड की। तो ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्राउंड पर अभी तक 12 मैच खेल चुके हैं। 12 मैचों में मात्र 7 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 5 बार सेकेंड बैटिंग करने वाली जीती है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में कह सकते हैं चेज भी हो सकता है तो डिफेंड भी हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड वैसे ही अभी तक दिखाई जर्जर आ रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए स्पेशल चीज़ है कि दोनों ही टीमों में से अभी तक हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है वो इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर वेल्स ने बनाया है, और वेल्स ने वो स्कोर जो बनाया है 165 का। और स्पेशल बात यह है कि वेल्स का ही ये होम ग्राउंड न है, तो होम वेल्स है कि यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती नजर आते है। वही अगर बात करें यहाँ पर लोवेस्ट स्कोर भी तो वो 85 रन बने हैं दोस्तों, और ये वेल्स वाले मैच में ही बने हैं। तो ये खास बात है कि ये बेहतर टीम है, वेल्स का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर अच्छा होता ही रहेगा। अब संभावना है कि इस ग्राउंड पर अगर ये दोनों टीमें खेलती है तो स्कोर कितना बनने वाला है। तो दोस्तों अगर हाईएस्ट चेस की बात करें तो हाईएस्ट चेस इस ग्राउंड पर अभी तक 165 तक हुआ है, और वहाँ पर डिफेंड की बात करें तो 94 तक हुआ है, वो भी 40 बॉलों पर। तो होम ग्राउंड है और 100% 160 रन यहाँ पर आपको देखने को मिला। वही बात करें अगर ओवल से पहले बैटिंग करने आती है तो वो 171 रन बनाएगी, यानी कि ओवल से की थोड़ी बेहतर बैटिंग नजर आपको देखने को मिलेगी। अगर दोनों के हेड टू हेड मुकाबलों पर नजर डाले दोस्तों, तो दोनों ही टीम अभी तक 3 बार आमने सामने, जिसमें से 1 बार भी वेल्स को जीत हासिल नहीं हुई। अब 14 मैच है तो देखते हैं इस बार क्या चमत्कार होता है। एक मैच जो हुआ है इन दोनों के बीच में टाई रहा है। अब अगर दोनों ही कंडीशन के हिसाब से अभी तक लास्ट 5 मैचों के अंदर अगर देखें तो इनका जो औसत रहा, जिसमें 4 बार वेल्स जीत चुकी है और 3 बार ओवल्स, यानी कि सबसे औसत अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेल्स का बेहतर औसत नजर आ रहा है। तो इस मुकाबले में क्या होगा ये डिटेल आपको टेलीग्राम पर नजर आएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर बेहतर प्लेइंग नजर आ रही है यहाँ पर ओवल्स की, जो कि इसमें विजय मलानदीन के साथ नजर आ रहे हैं, जैम बिलिंग के बेहतर कप्तान और विकेट कीपर हैं, उनके साथ साथ आजम जंपा है, जंपा की बेहतर स्पिन बॉलिंग पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। वही अगर चीज़ें देखें तो मोहम्मद अमीर ने भी बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, और सैम करन भी यहाँ पर बेहतर ऑलराउंडर नजर आते हैं, तो बेहतर टीम बैलेंस नजर आ रही है। इसमें कोई चेंजेस अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले मुकाबले जो टीम खेली थी वही सेम टीम यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आ सकती है। अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा। वही अगर वेल्स फायर की प्लेइंग 11 पर थोड़ा सा नजर जागे तो यहाँ के सुपरस्टार है जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो इस मैच में बेहतर नजर रन बनाते रहे नजर आने ही वाले हैं दोस्तों, इसमें नो डाउट है कि यहाँ पर टीम बेहतर है। वही उनका साथ निभा सकते हैं यहाँ पर जी क्लार्क भी है, और डेड मिडिल ऑर्डर में अगर बेहतर बैटिंग करेंगे तो फिलिप्स यहाँ पर नजर आते हैं। बॉलिंग का जो भार संभालते हैं यहाँ पर जॉनी लिटिल भी है, लिटिल भी काफ़ी बेहतर बॉलिंग की थी, और यहाँ पर अगली बात कर डेविड विली, विली तो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच और अभी भी उनका परफॉर्म कंटिन्यू नजर आया। अब दोनों ही प्लेइंग की नज़र अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही टीम काफ़ी बैलेंस है और काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर बात करें टॉस प्रेडिक्शन की, तो टॉस के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेल्स फायर यहाँ पर टॉस जीतती नजर आ रही है। अगर टॉस जीतती वेल्स फायर तो वो निश्चित ही है कि पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। वही अगर बात करें जीत की संभावनाओं के टेबल, तो यहाँ पर
जीत में नजर आती है कि एबेल स्पायर इस बार अपने 14 मैच खेलेगी तो अपनी पहली जीत की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करना ना भूले, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टॉस के बाद अगर कोई चेंजेस होता है टीम में तो वहाँ पर आपको अपडेट